अमरपाटन के किराही ओपन गेहूं खरीदी केंद्र में समिति प्रबंधक और गेहूं प्रबंधक की लापरवाही उजागर हुई है। गेहूं के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण तेज बारिश में किसानों का अनाज भीग गया और काफी नुकसान पहुंचा। लाखों क्विंटल गेहूं खराब हो गया और साथ ही कीड़ों ने भी अपना घर बना लिया। पिछली 4 बारिश की मार इस ओपन वेयरहाउस में रखे अनाज पर पड़ी है। इसी वेयरहाउस में किसानों का अनाज खरीद कर भी रखा गया है, जहाँ पानी में डूबा और कीचड़ में धंसा अनाज साफ नजर आ रहा है। व्यवस्था तो ऐसी है कि अनाज को लेबर द्वारा उठाकर रखने की बजाय भरे पानी में डूबो कर ले जाया जा रहा है। समिति प्रबंधक और अनाज प्रबंधक की लापरवाही सामने आने के बाद भी इस पूरे मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैक्सिमम तो अपना इसमें चट्टे में लग गए हैं। करीबन 5,000 से 6,000 के लगभग बोरियाँ हैं जो चट्टे में नहीं लग पाई, जिसमें स्टेक पन्नी नहीं है। टेम्प्रेरी रूप से पन्नी आप देख रहे होंगे, इधर पन्नी ढके हुए हैं, लेकिन पानी ये थोड़ा पहाड़ी एरिया में है तो पानी का बहाव ज़्यादा होने से जो नीचे का जो लेयर है वो नीचे का लेयर पूरी तरह से भीगा है। ऊपर के लेयर को बचाने की कोशिश की गई है, लेबर्स वगैरह लगे हैं, तो पन्नी ढक कर के इनने जो है टेम्प्रेरी व्यवस्था किया है। अब लेबर उनको फैलाने का काम अभी कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके उनको जो गेहूं है वो कम प्रभावित हो पाए। खरीदी केंद्र 5 दिन हो गए बंद हुए, लेकिन भंडारण की क्या वजह रही कि भंडारण नहीं हो पाया, किसकी लापरवाही है? ये नॉन करती है, इसका नॉन ले जाती है, और अब उनसे थोड़ा सा मेरे से जानकारी नहीं है कि उनके पास में परिवहन के लिए क्या दिक्कत रहा। बाकी यहीं पे इस क्षेत्र में एक यहाँ है, एक वो झिन्ना का है जहाँ से माल का उठाव कम हो पाया है, बाकी शेष जगह तो नील हो गया था। सर, जांच में जिसकी लापरवाही पाई जाएगी क्या कार्रवाई कुछ हो पाएगी? अब जो शासन के नियमों के अनुसार जो व्यवस्था करने के लिए कहा गया है कि जो खरीदी केंद्र में है उनमें कौन व्यवस्था समिति क्या करेगी और समिति के अलावा जो उठाव करने वाले हैं वो क्या करेंगे, उसी के बाद में उस पर क्लियर हो पाएगा।